श्योपुर जिले की विजयपुर में उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत और जनता के बीच पानी की समस्या को लेकर विवाद हो रहा है। यह वीडियो 6 साल पुराना बताया जा रहा है। भाजपा जिला महामंत्री अरविंद सिंह जादौन ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी का 6 साल पुराना वीडियो वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। भाजपा जिला महामंत्री अरविंद सिंह जादौन ने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे पर FIR दर्ज करवाई है। आज बीजेपी के पदाधिकारी अरविंद सिंह जादौन द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर श्री दिग्विजय सिंह और हेमंत कटारे जी और उमंग सिंघार जी द्वारा कोई पुराने वीडियो को एडिटिंग करके डाला गया है जिसमें स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उस संबंध में प्रथम दृष्टया अपराध पंजीकृत कर लिया गया है।